नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई गल्फ कंट्रीज से मान लो या फिर सऊदी अरबिया से मान लो या दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन कहीं से भी मान लो, क्योंकि ये जो वीजा रेन्यू कफाला या छुट्टी का टाइम गल्फ कंट्रीज में छह कंट्री है, सब में सेम ही प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पे दो टॉपिक पे आज बात करेंगे कि क्या आप विदेश से इंडिया छुट्टी आते समय आपके पासपोर्ट में टाइम कितना होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। एक आगे दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अखामा वीजा रिन्यू का भुगतान कौन करेगा। जी हाँ, ये भुगतान कौन करेगा, पैसा इसका कौन देगा। हालांकि सब लोगों को पता है लेकिन कई सारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वीजा का या वीजा रिन्यू का, अखामा रिन्यू का पैसा आपका लगने के लिए आपके पैसे लग सकते हैं, या फिर अखामा वीजा एक्सपायर हो जाता है उसमें लेट का जुर्माना कौन देगा। तीन टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर ले ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लो विदेश से आप छुट्टी आ रहे हैं, समझ रहे बात को। तो कई बार आपके पासपोर्ट में टाइम होता है, एक महीने का, दो महीने का आपके पासपोर्ट में टाइम होता है कि उसमें आपको ये लगता है कि यार चलो यहाँ से छुट्टी चलते हैं और पासपोर्ट इंडिया में जाके रिन्यू करवा लेंगे या फिर हम वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ होता है आपको। मान लीजिए पासपोर्ट में 15 दिन, महीना, दो महीना टाइम बच रहा है, आपको चाहिए कि हमें 90 दिन की छुट्टी लेनी है, तीन महीने की या फिर 50 दिन की या फिर महीने की छुट्टी आपको लेनी होती है, उस दौरान आप क्या करें, आपके पासपोर्ट में टाइम कितना होना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखने की बात है कि गल्फ कंट्रीज से इंडिया अगर आप छुट्टी आते हैं तो कम से कम आपके पासपोर्ट में 3 मंथ वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आपको छुट्टी मिलेगी, वरना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमें जल्दी घर जाना है, पासपोर्ट रिन्यू में हो सकता है टाइम लग जाए, तो आप इंडियन एम्बेसी जाके अस्थायी तौर से जल्दी वाली आप अस्थायी रिन्यू पासपोर्ट करवा सकते हैं, महीने, दो महीने, तीन महीने के लिए समय सीमा आपके पासपोर्ट में बढ़ा दी जाएगी, जिसको ऑनलाइन चेक करेंगे तो रिकॉर्ड में आ जाता है। उसके बाद आपको जैसे टाइम मिले तो आप अपना अस्थायी रिन्यू पासपोर्ट करवा सकते हैं, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कई बार इखामा या फिर आपका वीजा रिन्यू कौन करवाएगा, आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है, तो सीधी सी बात है, बहुत सारी मैंने खुद ने देखा है कि आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है या फिर वीजा रिन्यू करवाना है, तो कई बार आपका कफील, आपका एजेंट, आपका वहां पे जहाँ पे काम कर रहे हैं वो बोलते हैं पैसा रिन्यू का आपका लगेगा। तो ऐसा कोई भी नियम गल्फ कंट्रीज में नहीं है, आपका चाहे इखामा हो या फिर आपका वीजा रिन्यू करवाना हो किसी भी देश का, ये काम आपका कफील या आपकी कंपनी की जिम्मेदारी होती है, जो भी उसका चार्ज लगेगा वो उनको ही देना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है रिन्यू करवाने की फीस, तो ये गलत है, आप इसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका लेट में हो जाता है, खामा वीजा वगैरह रिन्यू करवाने में लेट हो जाती है, तो लेट फीस जो चार्ज होता है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, वो भी आपका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी और आपका कफील की गलती है, न कि आपकी गलती है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये जो खामा वगैरह है, सऊदी में अगर बात करें या फिर दुबई में बात करें, इखामा या फिर इमिरेट्स आईडी है, ये खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, समय सीमा खत्म हो जाती है, तो आपको दिक्कत आती है, क्योंकि बैंक अकाउंट भी इसी से ओपन होता है या फिर और भी कोई चेक वगैरह या और भी कोई आपका कोई काम होता है वो इसी के बेस पे होता है, ये अगर एक्सपायर हो गई तो आपके पूरे काम रुक जाते हैं, आपका काम नहीं हो पाता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो आपकी कंपनी लेट फीस देगी, आपका कफील है वही आपका जुर्माना देगा, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस ये छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय